चुनाव हुआ है वो भी निष्पक्ष और आरओ साहब की देखरेख में बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे 111 वोटों से जीत प्राप्त हुई है। इसमें मेरे साथ अभिषेक नागपाल जी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, कनवदीप जी शक्ति चुने गए हैं, और अपना बंसल साहब हमारे यहाँ जी वो अपना राजघाट चुने गए हैं, और मोहित चौधरी ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं। तो किस तरह से कार्य किए जाएंगे बार को लेकर वकीलों के लिए? बार के वेलफेयर के लिए जो भी कार्य हमारी बार ड्यूटी लगाएगी, और जो भी हमारे विकास कार्य के लिए, वेलफेयर के लिए, वकीलों के वेलफेयर के लिए, और मेन हमारी जो बिजली की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, सबसे मेन जो हमारा पहला मुद्दा होगा, और हमारे पीछे चैम्बरों की जगह के लिए इसमें कोशिश की जाएगी और जगह लेकर आएंगे। ज़्यादा वोटें पड़ी हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट बार का बन गया हूँ। जो वोट सेरेमनी होगी वो हमारे को शेड्यूल पता लग जाएगा। जो मैंने वादे करे थे अपने एडवोकेट ब्रदर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, उनको वादों को मैं पूरा करूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने बार के मेम्बर्स का, सभी का, अपने सीनियर्स का, अपने कलीग्स का। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वाइस प्रधान ने मुझे निवेश दे दिया। और के लिए खड़े थे, क्या कहेंगे? मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़ा था और बार के सभी मेम्बरों ने विजयी बनाया है, सभी सीनियर्स ने, सभी महिला एडवोकेट्स ने, सभी भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से वोट देकर मुझे विजयी बनाया है। मैं वादा करता हूँ इस बार से मैं इसकी वेलफेयर के लिए काम करूँगा, बिल्कुल यूनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ, प्रधान के साथ कदम से कदम मिला के काम करूँगा। ये मेरा वादा। ये तस्वीरें जो आपने देखी है करनाल बार के तमाम एडवोकेट्स की थी। आज गौरतलब है कि करनाल बार के वकीलों का जो है बार प्रधान का जो है चुनाव था, जिसमें निर्मल सिंह सोनी जो है 131 वोटों से जो है बार के नए प्रधान जो है चुने गए हैं। वहीं उन्हीं के साथ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अभिषेक नागपाल वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वहीं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कनवदीप विजयी रहे हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर जो है मोहित चौधरी, जो मोहित बजाज हैं, वो जो है विजयी रहे हैं, और जो ट्रेजरर हैं, जो कैशियर हैं, वो राहुल बंसल चुने गए हैं। तो पांचों नए उम्मीदवार जो है, खास बात यह है कि पांचों के पांचों जीतने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो युवा है। तो इस बार की युवाओं की टीम जो है करनाल बार के एडवोकेट की जो बार है उस पर जो है युवाओं की टीम का कब्जा रहा। और जो निर्मल सिंह स्टोंडी है, गौरतलब है कि पिछली बार भी जो है बार प्रधान के चुनाव में जो है खड़े हुए थे, लेकिन एक वोट से जो है कहीं ना कहीं उनकी हार हुई थी। लेकिन आज जो है जो जीत का जो ताज है वो दोबारा से एक बार निर्मल सिंह स्टोंडी के सर पर रहा है, और 131 वोटों की जीत से जो है निर्मल सिंह स्टोंडी बार के नए प्रधान चुने गए हैं। और जमकर जश्न जो है करनाल के बार के तमाम वकीलों ने जो है यहाँ पर मनाया, और निर्मल सिंह स्टोंडी और तमाम उनकी नई युवा टीम को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।